तेज प्रताप यादव बोले थे कि धीरेन्द्र शास्त्री हम आपको बिहार आने नहीं देंगे, क्यों नहीं पाए? अभी तक तेज प्रताप ने कुछ भी नहीं किया है। तो हाय एवरीवन, आप सबका एक फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुशवाहा है, आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल सक्सेस फिर टू ब्लॉग। फाइनली गाइज, आप लोग सबसे पहले दानापुर आइएगा, वहाँ से आप लोग बताइएगा कि हम लोगों को जाना है एम्स। वहाँ से आप लोगों का टेम्पू धोकर आना होगा एम्स, जो किराया मात्र आप लोगों का 20 रुपया लगेगा। यहाँ पर आइएगा तो एक आप लोगों का गोलम्बर जो चौक मिलेगा, यहाँ से आप लोगों का नौबतपुर मतलब जाने के लिए यहाँ से फ्री सुविधा वाली गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं जो फाइनली पंडित धीरेन्द्र, यहाँ पर देख सकते हैं जो पंडित बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का मतलब पोस्टर लग चुका है। यही वो गोलम्बर जो चौक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फाइनली चारों तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ उधर ही पोस्टर लग चुका है। इस गोलम्बर पर जस्ट आके यहाँ पर देख सकते हैं बगल साइड में लिखा हुआ है बीटा शमशेरा पथ जानीपुर होकर काथा स्थल पर मतलब जाने का रास्ता यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है। और उधर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उधर ही हम लोग से जो अंकल से आए हुए थे वो बोल रहे थे कि नौबतपुर के लिए यहीं पर से गाड़ी मिलेगी। टेम्पू है जो नौबतपुर के लिए ये किराया ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग फ्री वाले बस हम लोगों का नहीं मिल चुका है क्योंकि दो ठो बसें चल रहा है, तो हम लोग प्राइवेट टेम्पू रखे हुए हैं जो किराया मात्र 30 रुपया लग रहा है नौबतपुर जाने के लिए। गाइज, हमारे साथ चार ठो ब्लॉगर है, ये भाई हमसे मिल लिए हैं। मतलब कैसे हो भाई? अच्छे हैं। आपके चैनल का क्या नाम है? अमित देवाग मेरे चैनल का नाम है, आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भाई जो फर्स्ट बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज ही, व्हाट्सअप गाइज। यहाँ पर जब लोग आप लोग अंदर के लिए प्रवेश करेंगे तो आप लोगों का ऐसा गेट देखने को मिलेगा। आने वाले थे श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार नौबतपुर में आने वाले थे। बाबा को आने के बाद यहाँ पर इतना काफी भीड़ हो गया है कि आप क्या चीज है कि जो काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं
उनमें ऐसा क्या रहस्य है कि जो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति के जुबान पर सिर्फ आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र 2023 खत्म होने से पहले बन जाना चाहिए। तो कैसे धीरेन्द्र शास्त्री अनाउंसमेंट किए थे बिहार आने के लिए, तो जो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बोले थे कि धीरेन्द्र शास्त्री हम आपको बिहार आने नहीं देंगे, तो उनको कहने का मतलब उनका कोई इससे मतलब वो कुछ नहीं बाबा को कर पाए हैं, क्योंकि बाबा के साथ में इतने पहले तो मेन के भोजपुरी के स्टार ही है साथ में जो मनोज तिवारी, और बाबा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग बहुत लोगों से जानने की कोशिश किए, पूछे भी कि क्या लालू यादव के बेटे बोले थे यहाँ पर बाबा को बिहार आने से रोकने के लिए, बट रोक क्यों नहीं पाए। अभी तक तेज प्रताप ने कुछ भी नहीं किया है, तो देखते हैं कि उनका कोई एक्शन होता है कि नहीं। तो आप लोगों को मुझे पल में इतना काफी लोगों की यहाँ पर भीड़ हो रही है कि बहुत से बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे चारों तरफ देख सकते हैं बहुत ही लोगों की जनसंख्या है काफी, और उस पंडाल के अंदर जो इतना काफी करीब 6 या 7 लाख लोगों की जनसंख्या है अंदर के तरफ। अभी हम लोग बाहर के तरफ आए हुए हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।